हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक बिल्कुल अनोखा यूनिक डिजाइन वाला ट्रिमर जिसका मॉडल नंबर है मैक्सटॉप प्रोफेशनल हेयर क्लिपर। हालांकि इन्होंने मेंशन किया है ये एक हेयर क्लिपर जिससे आप हेयर को अगर डिजाइन देना चाहते हैं, स्टाइल अलग अलग शेप में ट्रिम करना चाहते हैं तो उसके लिए इस ट्रिमर को बनाया गया है। बट इस ट्रिमर को आज हम अपने बियर्ड पर इस्तेमाल करने वाले हैं और जानेंगे क्या इस ट्रिमर को हम बियर्ड पर प्रॉपरली यूज कर पाते हैं या फिर नहीं, तो मेक श्योर वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। वैसे ट्रिमर जो है बिल्कुल यूनिक डिजाइन में आता है, ऐसा ट्रिमर ना ही आज से पहले आप लोगों ने देखा होगा ना ही कभी यूज किया होगा आई एम श्योर, क्योंकि ये भी मेरा फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है। जैसे हम बॉक्स ओपन करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा वन यूजर मैनुअल और ये रहा अपना ट्रिमर। ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें काफी यूनिक ट्रिमर दिया है, बहुत ही बेहतरीन डिजाइन के साथ में आता है। इसके बारे में आगे आपको हम और भी जानकारी देंगे। इससे पहले देखते हैं व्हाट एल्स इनसाइड द बॉक्स। ट्रिमर के अलावा आपको यहाँ पे दिया गया है वन बैटरी, वन चार्जर। हालांकि चार्जर में आप देख सकते हैं यहाँ पे यूएसबी केबल दिया गया है, तो आप आराम से स्मार्टफोन के साथ आने वाले चार्जर से भी इस बैटरी को चार्ज कर पाओगे। साथ में आपको ट्रिमर ऑयल भी मिलता है और एट द एंड यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ क्लिपर्स। अगर क्लिपर्स की टोटल लेंथ की बात करें तो वो है 1mm, 2mm, 3mm एंड 4mm। और इन क्लिपर के साथ में एक एक्स्ट्रा क्लीनिंग ब्रश भी आपको देखने को मिल जाती है। तो बस यही है वो सारे के सारे एक्सेसरीज जो हमें इनसाइड द बॉक्स देखने को मिल जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं हाउ इज दिस मैक्सटॉप ट्रिमर। ऑलराइट गाइस, ये रहा अपना मैक्सटॉप का ट्रिमर। अगर हम ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें काफी यूनिक डिजाइन के साथ में आता है ये ट्रिमर। बॉडी जो है कंप्लीटली मेटेलिक बॉडी आता है, प्लस यहाँ पे काफी अच्छे खासे टेक्सचर्स भी बनाए गए हुए हैं जो आपको देखने में काफी कूल फीलिंग भी दे देते हैं। हालांकि बैटरी को कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको नीचे का जो सेक्शन आप देख रहे हैं इसको ओपन करना पड़ेगा और ठीक इसके नीचे आप बैटरी कुछ इस तरह से लगा सकते हैं और इसका पावर ऑन एंड ऑफ का बटन भी ट्रिमर के नीचे ही दिया हुआ है। ये वाला सेक्शन आप देख रहे हैं इसको प्रेस करेंगे तो आपका ट्रिमर जो है ऑन हो जाता है। हालांकि कितना शोर कर रहा है आई होप आपको लगभग आइडिया लग चुका होगा। इसका जो ब्लेड है काफ़ी यूनिक शेप में आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लेड बिल्कुल ट्रिमर से बाहर की ओर दिया गया है। अगर आप चाहो इसको बंद करें पॉसिबल नहीं है, इसका डिज़ाइन ही ऐसा है और कम्प्लीटली मेटेलिक ब्लेड दिया गया है। इनसाइड द बॉक्स इन्होंने मेंशन किया है ट्रिमर पे आपको ना ही स्टेनलेस स्टील ब्लेड मिलता है ना ही टाइटेनियम कोटेड ब्लेड मिलता है। इन्होंने मेंशन किया है इस ट्रिमर को कार्बन ब्लेड मिलता है। अब कार्बन ब्लेड का क्वालिटी कैसा होता है आई हैव नो आइडिया, हम ऑब्वियसली इस्तेमाल करने के बाद बताएंगे हाउ इट इज़। बट इस ब्लेड के एक चीज़ मुझे सबसे हटके लगा ये कि आपको बिल्कुल भी गैप देखने को नहीं मिलता, मतलब दो, एक ऊपर का ब्लेड होता है एक अंदर का ब्लेड जो मूव होता है ना, हर एक ट्रिमर में थोड़ा बहुत गैप देखने को मिलता है बट इस ट्रिमर का ब्लेड में आपको बिल्कुल भी गैप देखने को नहीं मिलेगा। डेट साउंड रियली कूल। वैसे आप सभी को बता दूं ये जो ट्रिमर है सिर्फ और सिर्फ कॉर्डलेस ट्रिमर है, डायरेक्टली पावर पैक कनेक्ट करके इसको यूज़ नहीं कर सकते। इस ट्रिमर का चार्जिंग टाइम है 3 आवर्स और एक बार कंप्लीट चार्ज करने पर अप टू 2 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपने बियर्ड को लाइव ट्रिमिंग टेस्ट। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। इस ट्रिमर को हमने बाय किया है आपको सिर्फ ये बताने के लिए क्या ये ट्रिमर आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। अगर आपको ये ट्रिमर पसंद आता है और अगर आप इस ट्रिमर को लेना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ही बाय कीजिएगा। हमारे लिंक से लेने पर आपको ये ट्रिमर मिल जाएगी सबसे सस्ते दाम में, इसी के साथ साथ थोड़ी सी हेल्प हमारे चैनल को भी हो जाएगी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस ट्रिमर का परफॉर्मेंस कैसा है वाइल ट्रिमिंग बियर्ड। तो चलिए सबसे पहले अभी हम अपने बियर्ड को ट्रिम करने जा रहे हैं एट 3mm सेटिंग्स और कॉम को आप कुछ इस प्रकार ब्लेड में कनेक्ट कर सकते हैं वेरी इजीली। नाउ लेट्स द ट्रिम बिगिन। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनली हमने अपने बियर्ड को ट्रिम कर लिया है एट 3mm सेटिंग्स। ओवरऑल अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें यूजिंग कॉम जब मैं ट्रिम करा तो काफ़ी बार जो है बाल
फंस रहा था, बियर्ड जो फंस रहे थे, जिस हल्के हल्के बियर्ड चुभते हैं, तो एक्सपीरियंस मुझे उतना सही नहीं लगा। बट इन द सेम टाइम अगर आप बियर्ड को ट्रिम करना चाहते ही हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ऐसे ट्रिम ना करके आप उल्टा ट्रिम कीजिएगा यूजिंग कॉम इस तरह से। हालांकि ट्रिम करने में थोड़ा वक्त लगेगा, बट वैसे ट्रिम करोगे तो आपका बियर्ड जो है ब्लेड में चुभेगा नहीं और आप आराम से स्मूथ ट्रिम एक्सपीरियंस का मजा उठा पाओगे। हालांकि यूजिंग ब्लेड का जो परफॉर्मेंस है इट इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल। आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली यहाँ पे लाइनिंग मिल चुका है, अपना नेकलाइन देखे तक कितना क्लीन नेकलाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता। तो यूजिंग ब्लेड क्वालिटी मुझे काफ़ी हद तक सही लगा, और जब ब्लेड से ट्रिम करते अपने बियर्ड को तो बाल जो है बिल्कुल भी नहीं फंसता। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे और अपने बियर्ड को मैं पूरा फुल ट्रिम करने जा रहा हूँ और देखते हैं क्या इस ट्रिमर से आप अपने बियर्ड को पूरा क्लीन शेव कर पाते हो या नहीं। बट गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनली हमने अपने बियर्ड को पूरी तरह से ट्रिम कर लिया है डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ ब्लेड। अगर हम ट्रिमिंग एक्सपीरियंस की बात करें भाई ब्रिलियंट, मतलब बियर्ड पे ब्लेड को लगाते ही सट सट ये जो ट्रिमर आपके बियर्ड को बिल्कुल मक्खन की तरह ट्रिम करके देता है। तो इस ट्रिमर के लिए मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, क्या बवाल चीज बनाया है यार, इतना सस्ता ट्रिमर, उतना खतरनाक ट्रिमिंग एक्सपीरियंस मैंने सोचा नहीं था, बट ट्रस्ट मी द ट्रिमिंग एक्सपीरियंस इज जस्ट ब्रिलियंट। काफ़ी स्किन फ्रेंडली ट्रिमर है, स्किन कटने छिलने का कोई भी टेंशन नहीं है। हालांकि इस ट्रिमर में कुछ कॉन्स है पहले बताना चाहूँगा। पहला कॉन्स तो ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब आप कॉम लगा करके ट्रिम करते हैं तो बाल जो है खिंचता है। हालांकि ऊपर से ट्रिम करोगे नीचे की ओर तो बाल नहीं खिंचेगा। यूजिंग ब्लेड जब आप ट्रिम करोगे बाल बिल्कुल भी नहीं खिंचता, वेरी स्मूथ ट्रिमिंग एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाता है। इन सब के अलावा यहाँ पे और एक कॉन्स ये है कि ब्लेड जो है काफ़ी जल्दी हीट हो जाता है, जो होना नहीं चाहिए, बट इतना भी हीट नहीं होता कि अपने ब्लेड को ट्रिम भी नहीं कर पाओगे, बट हीट होता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम तो हम एक बढ़िया क्वालिटी का ट्रिमर लेना चाहते हैं जिससे अपने बियर्ड को परफेक्ट शेप दे सकते हो, पूरा बढ़िया से क्लीन शेप लुक पा सकते हो, बेहतर ट्रिमिंग एक्सपीरियंस पाना चाहते हो, तो मेरा मानना है ये वाला ट्रिमर आपको डेफिनेटली बाय करना ही चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कर देना। ट्रिमर को लेना है लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आपको पता है हमारे लिंक से लेंगे तो हमें थोड़ी सी हेल्प होगी और आपको ट्रिमर मिल जाएगी एट दी बेस्ट प्राइस। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, और जाते घंटी को दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।